हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस क्लास में। डायरेक्शन टेस्ट के पड़ाव पर थे, आप सबको याद होगा कल की क्लास में भी हम सब अपने डायरेक्शन टेस्ट पे हैं। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी तक डायरेक्शन टेस्ट में आपके दो लेक्चर हो चुके हैं, दो क्लास हुए हैं। पहले क्लास में हमने दिशा निकालना सीखा था और दूसरे क्लास में हमने डायरेक्शन को जंपिंग करके सिखाया था कि कैसे डायरेक्शन एक से दूसरे जगह पर जंप करता है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसका कैसे जवाब देंगे। आज आपको इसके तीसरे पड़ाव पर लेकर के चल रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट का दिशा ही ज्ञात करना है, लेकिन एंगल के आधार पर दिशा ज्ञात करना है। डायरेक्शन टेस्ट में होता क्या है छात्रगण कि कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें मुड़ने का जो क्रम होता है, जो डायरेक्शन का क्रम होता है, वो एंगल बेस्ड होता है। तो कोण दिया हुआ रहेगा आपको 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 230 डिग्री, कितना भी एंगल दिया रहे मतलब नहीं है। तो कोण के आधार पर दिशा ज्ञात करना आज की हमारी सब टॉपिक हो जाएगी। टॉपिक वही है डायरेक्शन टेस्ट, उसमें एक सब टॉपिक क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एंगल के आधार पर दिशा ज्ञात करना, है ना। तो चैप्टर एज इट इज मेरा डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट आज इसमें सीखेंगे एंगल के आधार पर डिग्री, एंगल डिग्री के आधार पर, एंगल डिग्री के आधार पर दिशा ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करना, एंगल डिग्री के आधार पर दिशा ज्ञात करना। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक कोण दिया रहता है, एक एंगल दिया रहता है और इस एंगल पर आपको मूव करना होता है, मुड़ना होता है। एंगल पर मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको अभी इतने शानदार तरीके से अभी हम इसको समझाएंगे कि एंगल का क्वेश्चन ही आपको समझे गए। सर, सबसे लॉलीपॉप चैप्टर यही था, बिना पेन पकड़े हुए हम सब इसका जवाब दे सकते हैं छात्रगण। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि तमाम जितने सारे एंगल हैं, इन एंगलों का मेजरमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, एंगल का निर्माण आपका क्लियर होना चाहिए, कौन एंगल कितना डिग्री का है ये आपका क्लियर होना चाहिए। आपके पास सिंपली एकदम से पहले कंसेप्ट डेवलप कीजिए। डायरेक्शन आपको पता है, हम सब हमेशा इस प्लस चिन्हों का प्रयोग करते हैं डायरेक्शन में, क्योंकि कुल डायरेक्शन की संख्या आपकी कितनी है, 8, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन दोनों का बीच 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 8 डायरेक्शन होता है। जब 8 डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक जो डिग्री बनता है, ये डिग्री जो होता है ये है आपका 45 डिग्री का, ओके। फिर यहां से यहां डिग्री बनेगा तो ये कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। यहां से यहां फिर कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। यहां से यहां कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। यहां से यहां कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। यहां से यहां कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। सबको अगर ऐड कर दे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो जो आठों एंगल बनता है प्रत्येक, ये हो गया आपका कौन सा, ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री। उसी प्रकार ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच कितना बचेगा, 45 डिग्री। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में कितना बनेगा, मतलब एक एक डायरेक्शन के बीच जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको दिमाग में आत्मसात करके रखना होगा, ओके। अब दूसरे एंगल की पहचान कीजिए। ये तो एक प्रकार का एंगल हो गया, 45 डिग्री आप खींचना सीख गए। केवल 45 डिग्री का ड्रॉ करके आप सारा एंगल ड्रॉ कर सकते हैं इस चैप्टर में, लेकिन आपको और भी एंगल हम सिखा देना उचित समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये है, अब बताइए, अब हम इस पर आपसे एंगल पूछे तो आप हमको सीधा बोलिएगा, सर ये एंगल मेरा 90 डिग्री का है, ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री का है, ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री का है, और ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री का है। कुल कितना डिग्री का हो गया, तो 360 डिग्री, ओके। तो 90 डिग्री का भी खींचना आप सीख लिए, बस अब आपको हम एक भी एंगल खींचना नहीं सिखाएंगे, बस हमको दो ही एंगल खींचना सिखाना था। 90 डिग्री की पहचान कीजिए दिशा संबंधी प्रश्नों में, और 45 डिग्री के एंगल का पहचान कीजिए। 90 और 45 मिलकर कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। आप 135 डिग्री को ड्रॉ करना आप यहाँ पे सीख चुके हैं। अब इसी के आधार पर पूरा चैप्टर को हम रपेट देंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना। सीधे सीधे आइए छात्रगण, आपको लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे और सिंपली एकदम यहां पे आपको चैप्टर पूरा आत्मसात करवा देंगे। देखिए, एंगल बनाना आपने सीख लिया, आपने दो एंगल ही सीखा है कि 45 डिग्री किसको कहते हैं, 90 डिग्री उसी के आधार पर बन जाएगा। कोई भी प्रश्न एंगल का रहे, जो कुछ भी प्रश्न एंगल का दिया रहे, आपको सिंपली बस एक प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है,
बस इसी पर सारा काम कहेंगे। ठीक है, अब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और एंगल संबंधी प्रश्नों को बनाने के पहले दो चीज आपको और याद रखना चाहिए। एक लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा आपका दक्षिणावर्त। क्या लिखा रहेगा? दक्षिणावर्त। इसको आपको समझना है, यह लिखा हुआ है क्लॉकवाइज। अगर आपका हिंदी अच्छी नहीं है तो आप सीधे सीधे इसको इंग्लिश में समझिए, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझते हैं घड़ी के सुई की दिशा में। एक और वर्ड लिखा हुआ रहेगा वामावर्त, और इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और इसको कहते हैं ACW। एकदम ये दो फंडा आपको दिमाग में रखना है, दो कंसेप्ट एकदम लिख लीजिए। प्रश्न में अगर दक्षिणावर्त कहता है आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज कैसे चला जाता है? घड़ी के सुई की दिशा में, लाइक दिस वे। और अगर प्रश्न वामावर्त कहे तो आपको ऐसे चलना है, लाइक एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों डायरेक्शन, ये दोनों प्रश्न का पड़ाव होता है एंगल संबंधी प्रश्नों में। तो इन दोनों को एकदम से दिमाग में आपको बैठा कर रखना चाहिए कि प्रश्न क्लॉकवाइज लेकर के चल रहा है कि प्रश्न हमारा एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चल रहा है। दोनों को देखते हुए आपको प्रश्न में आगे की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। छात्र इन दो पड़ाव के बाद आप सीधे प्रश्न का जवाब देने के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। देखिए कहता है रमेश पूरब की ओर देख रहा है। रमेश किधर देख रहा है? पूरब की ओर देख लिया। रमेश यहां खड़ा है, पूरब की ओर देख रहा है। जब भी खड़ा होने की बात करें तो प्लस चिन्ह बना करके एकदम बीचों बीच खड़ा कर दीजिएगा। जिसको भी खड़ा होने का बात कर रही है, किधर देखने का बात कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको उस डायरेक्शन पे खड़ा कर देना है। तो रमेश पूरब की ओर देख रहा है। यहां से वह 135 डिग्री वामावर्त मूव करता है। कितना मूव करता है? 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या हो गया? ACW एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त कौन हो गया? इधर चलेंगे उल्टा घड़ी के सुई की। देखिए ये एंगल कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। और यहां से एक एंगल खींच लेंगे, ये कितना हो गया? 45 डिग्री का। ओवरऑल ये एंगल कितना डिग्री का हो गया? 135 डिग्री का। तो देखिए क्या बोल रहा था कि रमेश पूरब की ओर खड़ा है और वहां से 135 डिग्री वो वामावर्त चलता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो बताइए अब ये किस दिशा में देख रहा है? ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ है। इन दोनों का बीच का एरिया क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो अब रमेश किस दिशा में देख रहा है? तो रमेश नॉर्थ वेस्ट पे देख रहा है। तो कितना आसान है छात्रगण इस चीज को समझना, आप अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए एक पेन से हम लोग इसको बना सकते हैं। रमेश पूरब की ओर खड़ा था, बोलता है यहां से वह 135 डिग्री वामावर्त चलता है। तो ये मेरा 90 हो गया और ये मेरा 45 हो गया। 90 45 कितना होता है? 135 डिग्री। बताइए ये डायरेक्शन कौन सा है मेरा? ये डायरेक्शन कौन सा होता है? ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट का होता है। तो डायरेक्शन की पहचान, एंगल से मूवमेंट, यही इस चैप्टर का पड़ाव है। एंगल खींचना आप सीख लिए। 90 आप जानते थे खींचना कि सीधा डिग्री 90 कहलाएगा और इन दोनों के बीच का एरिया 45 बनाता है। 90 45 खींच लीजिए, आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? कई क्वेश्चन आपको अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका हैंडी हो जाए। आइए आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन के पड़ाव पे है छात्र, कहता है कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। आप सीधे एंगल देख लिए हैं, आपको पहले बताए हैं। एंगल देखने के बाद आपको सीधे केवल प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है। कर लिए, डायरेक्शन आपको पूरा पता है, कौन ईस्ट है, कौन वेस्ट है, कौन नॉर्थ है, कौन साउथ है, कौन नॉर्थ ईस्ट है, कौन साउथ वेस्ट है, कौन साउथ ईस्ट है, कौन नॉर्थ वेस्ट है, ये आपको सारा कुछ पता है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। चलिए सिंपल सा बात है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, ये है, लिख लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम मतलब एक आदमी इधर की ओर देख रहा है, ठीक ना? एक आदमी इधर की ओर देख रहा है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, यहां से वह क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलता है। तो यह एंगल कितना डिग्री का है? 45 डिग्री। और यहां से यह एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। ओवरऑल यह एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री। क्लॉकवाइज मूव कर गया, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 135 डिग्री वामावर्त, फिर 135 वामावर्त। यहां आने के बाद फिर वो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक 135 चलता है। तो यहां से यहां तक तो 90 मेरा हो ही गया है। अब यहां से और एक ड्रॉ कर लेते हैं 45 डिग्री का, ये कितना डायरेक्शन हो गया बताइए? ये पूरा एंगल कितना डिग्री का हो गया? 135 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ?
तो एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? तो बताइए, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर है। तो आंसर क्या होगा? पश्चिम की ओर। तो है ना लॉलीपॉप, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मैं 5 मिनट में बच्चों को मास्टर बनाता हूँ ऐसे चैप्टरों पे, 3 मिनट में मैं मास्टर बनाता हूँ बच्चों को। उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक पे बहुत बहुत अच्छी तरह से मास्टर बन गए हैं, बन चुके होंगे, लेकिन आपको अभी कई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। आइए आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। छद्म प्रश्न है मेरे पास। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, फिर आपको मैंने पहले ही कहा कि अपना डायरेक्शन क्रिएट कर लीजिए। उत्तर पश्चिम कौन सा डायरेक्शन है? सेम टू सेम, इधर इसका मुंह है, इस आदमी का मुंह इधर है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से यहां 45, फिर यहां से 45, मिला के 90 डिग्री। अब वह यहां पे चल रहा है, ये 45, ये 45, मिला के 90 डिग्री हो गया। फिर 180 डिग्री वामावर्त, यानी कि यहाँ से यहाँ तो 90 हो गया, फिर ये 45, 135 और फिर 45, 180 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल जो हो गया वो 180 डिग्री का हो गया। 180 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ से यहाँ 45, फिर यहाँ से यहाँ 45, तो फिर तो यहीं आके खड़ा हो गया ना। ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आंसर है कहीं पर? कहाँ चला गया? नॉर्थ वेस्ट नहीं है, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम। एक बार और देख लें, नन ऑप्शन है, देख लेते हैं। चलिए, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, 90 डिग्री हो गया। 180 डिग्री वामावर्त, यहाँ से फिर 180 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ से यहाँ 90 लौटा, फिर यहाँ 45, फिर यहाँ। अब ये कहाँ आ गया? अब देखिए, अब ये यहाँ देख रहा है, ये डायरेक्शन कौन सा है आपके पास? ये हो गया साउथ वेस्ट। अब ये यहाँ पर है, फिर कहता है फिर 90 डिग्री वामावर्त, यहाँ से वो 90 डिग्री फिर वामावर्त चलता है। तो इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज आ जाएगा ना, हमको ऐसे ही चलना होगा, यही गलती हो रही थी ना, ऐसे। तो यहां से यहां 45 और फिर यहां से यहां 45, तो कुल मिला के कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बोलता है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये डायरेक्शन किस दिशा की ओर है? तो ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट हो गया, दक्षिण पूर्व आंसर आ गया। तो वो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहां दक्षिणावर्त, वामावर्त और वामा, वामावर्त बोले तो ACW, दक्षिणावर्त बोले तो CW, यानी कि क्लॉकवाइज। ये एकदम दिमाग में रखना चाहिए। बिना इसके देखिए, मैं भी अभी गड़बड़ा रहा था ना, मैं ऊपर लेके चला गया, क्यों? क्योंकि मैं समझ गया दक्षिणावर्त बोल रहा था। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों समझना चाहिए, एंगल की पहचान आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक सेकेंड का वक्त लगेगा, बिना पेन पकड़े हुए ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, सिर्फ इस मार्कर के सहारे जवाब दिया जा सकता है, इधर 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 इधर। तो आप भी अपने कॉपी में जो मिलता है आपको पेन रख लीजिए, पेन के आधार पर लिखने की जरूरत नहीं है, पेन को खाली मूव कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले पड़ाव की ओर लेके चलते हैं। छत्र एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे लाए हैं, जहां पर आपको एंगल पे नचाते हुए हम नजर आएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप ना नाचें। प्रश्न आपको पहले बताएं, प्लस चिन्हों का प्रयोग करना है आपको। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी आदमी कहाँ देख रहा है? पश्चिम की ओर देख रहा है, इस ओर देख रहा है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 45 क्लॉक चला गया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता वैसे वैसे काम करना चाहिए। वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर दक्षिणावर्त है, यानी 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तो यहाँ पर ही बेचारा पहुँच गया था, यहाँ से यहाँ 45 आएगा, यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री आ जाएगा, 90 45, 135 हुआ, और फिर यहाँ से 45 डिग्री चला। ये पूरा एंगल कितना डिग्री का हुआ? 180 डिग्री का हो गया, यहां आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। सॉरी, फिर घबराया, फिर दक्षिणावर्त बोला था, यानी कि क्लॉकवाइज, हम सब एंटी चले गए, यही ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें गड़बड़ाइएगा बहुत बुरी तरह से, ठीक है, एकदम बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा जाएंगे। वो एकदम ध्यान रखिए, क्लॉक बोल रहा है कि एंटी बोल रहा है? सबसे पहले क्या बोला है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर देख लिए, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज चले गए, तथा फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज मुझ पड़ता है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो गया? 45, ये एंगल कितना डिग्री का हो गया? 90, और फिर ये एंगल कितना डिग्री का हो गया? यहाँ से यहाँ करेंगे तो 45, तो ये कुल मिला करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल हुआ वो कितना डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। यहाँ आप देखिए, अब ये क्या आ गया? अब इधर की ओर देख रहा है। क्वेश्चन वही नहीं खत्म होता है, फिर कहता है उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त चलता है, यानी देख लीजिए
फिर 270 डिग्री यहां से वो वामावर्त यानी कि उल्टा चलता है, तो यहां से लेकर के यहां तक 180 डिग्री और 45 डिग्री, 180 और 45 कितना होता है, यहां पहुंच जाएगा, 180 और 45 जोड़ दीजिए कितना होता है 225 डिग्री। अब मेरा कितना घट रहा है, 225 में कितना घटा रहा है, 270 में घटा दीजिएगा, 270 में 45 डिग्री, 45 से घट रहा है, तो यहां से लेकर के एक लाइन खींचिएगा और ये 45 डिग्री कर दीजिएगा, तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक का एंगल 270 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो बताइए अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है, तो ये दिशा कौन सा है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो कितने आसान तरीका से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है छात्रगण, ये आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने एंगल को पकड़ना सीख लिया होगा और पूरी एंगल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पूरा एंगल का निर्माण कैसे होता है, ये आपने जानने का बखूबी और बहुत ही अंदाज में से सीख लिया होगा। मैं एक ही बात कहता हूँ बच्चों को कि बस पढ़ाओ सीखें, कौन सा एंगल कितना डिग्री पर खेलता है ये चीज़ बनाना केवल सीख जाइए, आप इस चैप्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अर्थात कौन 45 है, कौन 90 है, कौन 135 है, किस किन स्थितियों में इन एंगलों का निर्माण होता है, इतना काम आप करना सीख जाते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। कल फिर अगर मौका मिलता है तो कल देखते हैं, नहीं होता तो 2-3 क्वेश्चन और करवा देंगे। तो आज की क्लास हम सब यहीं पर समाप्त घोषित करेंगे छात्रगण, इस वादे के साथ कि कल की क्लास में भी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, बाय बाय।